आपको मॉडर्न होम अप्लायंसेस के रिव्यूज देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों, जिनकी बेस्ट बाइंग लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ ताकि आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े, और ऐसे मॉडर्न होम अप्लायंस जो आपकी लाइफ को आसान बना दे। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, उससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली टिप है मेरी नॉनस्टिक चिकने तवे को लेके। अक्सर हमारे घरों में जो तवे होते हैं उनमें चिकनाहट जम जाती है, और अगर ये चिकनाहट को क्लीन ना किया जाए तो ये हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए इसको समय से साफ करना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है, घर में जो नींबू यूज़ कर चुके हैं उसका छिलका बच जाता है वो ले लीजिए। दोस्तों नींबू के छिलके को फेंके बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही काम आता है। मैं आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि नींबू के छिलका आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आपको एक और ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी। पहले तवे पे थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे। दोस्तों नमक और नींबू चिकनाहट का नामो निशान मिटा देंगे। बस इससे आप अच्छे से अब तवे को रगड़ लीजिए। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से तवा रगड़ा जा रहा है। तवे को सभी तरफ से रगड़ लेते हैं अच्छे से, और फिर इसका एंड रिज़ल्ट भी आपको मैं तवे को वॉश करके बताऊंगी। आई एम श्योर ये टिप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों आपके मन में ये ज़रूर सवाल आ रहा होगा कि मैं नींबू के छिलके का इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ, स्क्रबर का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों नहीं कर रही हूँ। तो नॉनस्टिक तवे पे हम स्क्रबर नहीं लगा सकते, वरना इस पर स्क्रैचेस आ सकते हैं और इवन जो इसकी कोटिंग है वो निकल जाएगी। नींबू और नमक से आप रगड़ोगे तो आपको स्क्रबर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि सच में क्या ये साफ़ हुआ है या नहीं। तो चलिए मैं फटाफट से आपको इसे वॉश करके बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने इसे वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये क्लीन हो चुका है। अगर आपका तवा ज़्यादा चिकना है तो लास्ट में आपको एक सॉफ्ट सा स्पॉन्ज लेना है और डिश वॉश जेल लेना है और उसे रगड़ लेना है। ध्यान रखिए आप स्क्रबर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इस टिप को दोस्तों आप ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले टिप की तरफ। अक्सर जब भी हम आलू उबालते हैं तो जिस बर्तन में हम आलू उबालते हैं वो सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ अजीब सा हो जाता है साइड साइड से, तो इसे छुटकारा पाने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। साथ ही आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप क्या कर लीजिए, इसमें डाल दीजिए नींबू के छिलके। नींबू के छिलके में पाए जाने वाले तत्व जो वाइट परत बर्तन में जम जाती है वो नॉर्मल डिश वॉश जेल से जाती नहीं है दोस्तों, तो वो उस सफ़ेद परत को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। इसीलिए सारे डिटर्जेंट्स में नींबू डाला हुआ होता है ताकि वो वाइट परत जिद्दी दाग को आसानी से हटा सकें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो आप वीडियो में इतने खो जाओगे कि आप सब्सक्राइब करना ही भूल जाओगे। अब बढ़ते हैं हम अगली टिप की तरफ। अक्सर हमारे घरों में कुछ नॉनवेज बनता है, फ़िश फ्राई बनता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ बनती है जिससे किचन में उसकी महक रह जाती है और स्ट्रॉन्ग स्मेल हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती। आप एक फ्राइंग पैन ले लीजिए या कोई भी पैन ले लीजिए, उसमें 2 से 3 नींबू के छिलके डाल लीजिए। ये वही छिलके हैं जो अक्सर लोग फेंक देते हैं नींबू का रस निकालने के बाद में। तो आज के इस वीडियो में मल्टीपल यूज़ बता रही दोस्तों कि किस तरीके से आप नींबू के छिलके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस पैन में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और 2 से 3 नींबू के छिलके डाल लिए हैं और गैस को ऑन कर दिया है। अब पानी में अच्छा सा हम बॉयल दिलाएंगे और फिर आप देखेंगे दोस्तों इसे जो खुशबू आती है ना, आपका किचन उसे बहुत ही रिफ्रेश हो जाएगा और नॉनवेज की या किसी भी तरीके की जो स्मेल रह गई होगी जिससे आपको दिक्कत हो रही हो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल मगर बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों, ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगली बार जब भी आप कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ बनाए दोस्तों तो इस टेक्निक को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब बढ़ते हैं हम अगली टिप की तरफ। अक्सर हमारे घरों में दाल होती है, छोले होते हैं, चने होते हैं, उनमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, तो इसे अवॉइड करने के मैं कई तरीके आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में। आपने नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, बहुत ही काम की टिप्स मैं आपको बताती रहती हूँ दोस्तों। आज एक फिर से नया तरीका आपको बताने वाली हूँ जो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही कारगर है। आप ले लीजिए तेज पत्ते। दोस्तों तेज पत्ता डालकर रखिए इसमें, आपकी चाहे दाल हो चने हो
छोले हो, दालें हो, तो कोई भी ऐसी चीज़ होगी दोस्तों जो जल्दी ख़राब होने वाली होगी, उसमें आप इन पत्तों को डाल के 2 से 3 पत्ते ही आपको डालने हैं और बस आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे, दाल या चने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। एक और चीज़ आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, जो भी मॉडर्न होम अप्लायंसेस के रिव्यू मेरे चैनल पर आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ, रिव्यू करती हूँ, उनके बेस्ट बाइंग लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। और ऐसे मॉडर्न होम अप्लायंसेस का रिव्यू करती हूँ मैं जो आपकी लाइफ को एकदम आसान बना देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।